चलो ये कैथेड्रल कव का जो एंट्रेंस है वहाँ पे अभी अंदर जाने का ट्राई कर रहे हैं। बस वहाँ पे थोड़ा ही दूर तक जा सकेंगे। तो जहाँ तक मेरे को पता है कि वो जो आपको पहाड़ दिख रहा है किला, वहाँ तक बीच है, लेकिन जनरली आज क्योंकि हाई टाइड है तो हम लोग वहाँ तक चल के जा नहीं सकते, तो बस यहाँ पे ही हम लोग रुके हुए हैं। वरना वहाँ तक हम लोग बीच है, वहाँ तक चल के जा सकते हो। और ये तैरने जा रहा है, इसको धक्का मारेंगे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जैसे कोई हॉलीवुड मूवी में नहीं, जैसे थाईलैंड में काफ़ी बार देखा है। थाईलैंड में भी ऐसे ही कोई जगह है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छी जगह है, लेकिन बहुत ही रफ भी है, तो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहिए। ये आया आने यहाँ तक। आई होप आप लोगों को ये जो हम लोग आए हुए हैं वो कैथेड्रल कव अच्छा लगा हो। अभी भी हम लोग वहीं चल के जा रहे हैं, यहाँ पे ही घूम रहे हैं हम लोग जनरली, फोटोग्राफ ले रहे हैं मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया जगह है, अगर आप लोग कभी न्यूजीलैंड आते हैं तो यहाँ जरूर आना आप। बहुत विंडी है तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। ये जो सी वेव्स का जो साउंड है बहुत ही लाउड है, बहुत ही ब्यूटीफुल, जो बोलते हैं ना पीसफुल, एकदम शांत शांत एटमोसफियर लग रहा है। और ये पानी आया है यहाँ तक। क्या कर रहा है? क्यों हम लोगों को बिना पानी में टच के पत्थर छूना है? अबे फोटो के पीछे आ रहा है, तू फोटो बम कर रहा है। रेडी? मेरा फ्रेंड नकुल जो ये रहे अनिल कपूर के भाई है। बहुत ठंडा पानी है और ये अंदर जा रहे हैं, बहुत डेंजरस भी है, लेकिन इसको डुबकी लगानी थी तो भाई साहब अंदर चले गए। मैं नहीं जाने वाला क्योंकि बहुत ही रफ सी है और अपन को तैरना भी नहीं आता। ए आया चलेगा।
लगा लगा तो गाइस अभी वापस से जा रहे हैं, वो लोग अभी भी नीचे हैं मेरे फ्रेंड्स। मैंने चढ़ना शुरू कर दिया है और मैं गाड़ी में जाके वेट करूंगा। हाय गाइस, मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ। मैं ऊपर पहले चढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन हाफ वे थ्रू थोड़ा फेंट जैसा हो गया, क्योंकि मैं पानी लेके नहीं आया था। तो मैं एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो गया मेरा, तो मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ झाड़ियों के बीच में और मैं वेट कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स आएँ, ताकि मैं थोड़ा पानी पीऊँ और फिर मैं वापस से हम लोग जाना शुरू करें। तो एनर्जी बहुत कम हो गया है। कभी भी आप हाइकिंग के लिए जाएँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी ज़रूर ले जाना। तो इंस्टेड ऑफ वहाँ जाना शुरू करने की जगह मैंने सोचा मैं यहाँ पर बैठ के एनर्जी कंजर्व करता हूँ, ताकि मेरे फ्रेंड जो वहाँ से आएंगे थोड़ा पानी पी लूँगा उनके पास से और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद निकलेंगे। यहाँ पे बारिश जैसा भी हो रहा है और एनर्जी जरा भी नहीं है मेरे में, तो और मोबाइल का बैटरी डाउन हो मेरा, मैं फ़ोन या टेक्स्ट भी नहीं कर सकता किसी को। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई होप मेरे फ्रेंड्स जल्दी आए।